नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय ओन चैनल। आप देख रहे हैं आदित्यास गैस्ट्रोनॉमी। तो जैसे कि आज देख रहे हैं कि मैं आउटडोर में हूँ और कुछ वीडियो जो अब मेरी आएंगी या मेरी अगली वीडियो जो है जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो कुछ जो है हम प्रोफेशनल किचन में शूट कर रहे हैं और आगे होगी वो प्रोफेशनल किचन में, बट जो उसके बनाने का तरीका है और इंग्रीडियंट्स हैं वो इस तरीके के होंगे कि आप घर में उसको ईजिली रेप्लीकेट कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से घर में भी कुक कर सकते हैं या फिर सेम तरीके से अपने घर में भी कुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग आवर रारा मटन। अब रारा मटन के लिए व्हाट आई हैव डन इज मैंने एक हांडी ली है, ये अगेन हैवी बॉटम वाली हांडी है, पीतल की, गैस ऑन की हांडी रखी और सारा मटन बना लेंगे। उसके लिए थोड़ा घी, घी ऐड करने के बाद इसमें मैं अराउंड हाफ रेड नॉर्मल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो यूज़ करूँ ताकि फ्रेगनेंस और फ्लेवर सारे पूरे आए। उसका मेल्ट हो गया है, सो नाउ इसके अंदर आई विल ऐड सम ओल्ड स्पाइसेस। ओल्ड स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगा ब्लैक कार्डमम, थोड़ी सी ग्रीन कार्डमम, वन पीस ऑफ स्टार एनिस, वन पीस ऑफ सिनेमन, फ्यू क्लोव्स एंड सम ब्लैक पेपर एंड सम ब्लैक पेपर्स। ये सब डालने के बाद एक पीस बे लीफ, सो लेट्स ऐड। और ये हमारा घी गर्म हो चुका है। नाउ वी आर एडिंग सम क्यूमिन। ये सब हुआ, स्पाइसेस जो है वो क्रैकल कर गए हैं। नाउ आई वुड बी एडिंग मटन और मटन को सीयर कर रही हूँ। पीसेस ऑफ मटन जो करी कट के यहाँ पर मटन क्लियर हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मटन का कीमा। ये दोनों चीज़ें साथ में ही कुक होंगी और साथ में ही ब्राउन होंगी। सो लेट्स गिव इट अ स्टर। ओके नाउ एज वी सी कैन सी हम लोगों का मटन है इस पर एक कलर आ गया है अच्छा सा। ये कलरिंग जो है हमेशा हाई फ्लेम पे ही होनी होगी और मटन शुरुआत के 10-15 मिनट हाई फ्लेम पर ही कुक होता है और मैं भी इसको भी हाई फ्लेम पे ही कुक कर रहा हूँ। मटन हल्का सा सीयर हो चुका है, इसके जूसेस इसी के अंदर रिलीज हैं। नाउ आई वुड बी एडिंग जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। सो मेरे पास यहाँ पर ये जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अराउंड 3 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। और अब इसको करते हैं मिक्स। ओके हम लोगों का मटन जो है वो बन रहा है और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बन चुका है। तो नाउ इसको फर्दर कुक करने के लिए व्हाट आई विल डू इज मेरे पास यहाँ गर्म पानी है और मैं थोड़ा सा गर्म पानी मटन ऐड करूँ, इससे मटन जो है वो गर्म, उसका टेम्परेचर जो है वो बराबर ही रहेगा बट थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा मटन में और अच्छे से कुक होना शुरू हो जाएगा। हमेशा गर्म पानी यूज़ करना चाहिए खाने में, इससे क्या होता है कि खाने का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस नहीं होता है और कुकिंग का जो टाइम है वो उतना ही रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता,
इससे एक तो गैस बचती है, सेकेंडली टाइम जो कंज्यूम होता है खाना बनाने में वो भी कम होता है। सो मटन को हम लोग इसमें पानी के साथ डालकर इसको कुक करें और जब ये हो जाएगा देन वी विल ऐड सम कर्ड, उसको फर्दर कुक करेंगे, लास्ट में इसमें अनियन टमाटो मसाला डालकर इसको फिनिश करेंगे। सो नाउ वी कैन सी कि हम लोगों का जो मटन है वो अच्छे से भुन गया है और गैस को मैं अब बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड सम स्पाइसेस इन। स्पाइसेस में 1.5 चम्मच देगी मिर्च, 1/4 स्पून टर्मरिक, 1 स्पून किचन किंग, 2 स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर और 1/2 स्पून सॉल्ट। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा और भूनना है। आपने देखा कि कलर्स चेंज हो गए हैं और स्पाइसेस जो है वो कुक हो रहे हैं। नाउ वी विल ऐड कर्ड। कर्ड इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करता हूँ, दैट वुड बी 8 स्पूंस ऑफ कर्ड। फ्लेम को कम रखा है ताकि कर्ड कर्डल ना करे एंड इसको मिक्स कर दे। यू कैन सी कर्ड से एक रिचनेस आ गई है बट बट थॉरली कुक भी हुआ है और कर्ड डालने के बाद अब इसको और फर्दर आगे कुक करेंगे जब तक कर्ड जो है वो ऑयल सेपरेट। नाउ वी कैन सी कि दही जो है वो पूरा हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है और इसके अंदर अच्छे तरीके से सारे स्पाइसेस हैं वो भी मिक्स हो गए हैं। नाउ व्हाट वी हैड टू डू इज वी हैड टू ऐड आर अनियन टमाटो मसाला। सो अनियन टमाटो मसाला जो है वो बना के रख लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। टमाटो मसाला इसमें ऐड किया, लेट्स मिक्स इट। इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे और इसके अंदर हम लोग वार्म वाटर जो है वो ऐड करेंगे सो दैट सारे मसाले सारे जो भी फ्लेवर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। नाउ हम लोगों का मसाला जो है साथ में भून गया है, अब ऐड कर रहे हैं वाटर। अगेन वार्म वाटर ही है जो ऐड कर रहा हूँ ताकि टेम्परेचर डाउन ना जाए और कुकिंग टाइम जो है इंक्रीज ना हो। इसको मिक्स किया और अब इसको सिमर होने देते हैं जब तक ये पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए और हमें एक थिक ग्रेवी मटन ना। नाउ आवर रारा मटन इज ऑलमोस्ट रेडी। यू कैन सी द मटन पीसेस हैव कुक्ड थॉरली एंड सी हाउ सॉफ्ट इट हैज बिकम। इज इट टेंडर एंड सॉफ्ट। This is how the rara mutton should be. You should see some pieces. Rest is the keema. Now in the finishing, what we had to do is we had to add some chopped coriander. Now chopped coriander will give some freshness in the mutton. The mutton is done. Now the mutton is done. The gravy has released the oil. Now is the time for the plating. For the plating, I have this entree dish. This entree dish, what I will do is on the base, I'll put the keema gravy. I'll place some of the pieces of mutton. Mm-hmm.
Rara mutton is done. In the garnish, I would be putting some ginger julienne. And coriander sticks.